सॉरी, क्योंकि व्लॉग बहुत जल्दी नहीं आ रहे थे, बट ये सब कुछ छोड़िए। हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण नुकसान हो चुका बहुत ज़्यादा, सो आई होप कि आप सभी घर पर ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा सोचा है हमने, बारिश में रास्ते तो सभी ब्लॉक हैं और कल वापस हमें ड्यूटी जाना है, सो देखते हैं आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी भाई स्कूटी लेकर आ रहा है और हम एक शॉर्टकट रास्ता है, जो वैसे नॉर्मली रास्ते वो बंद हैं, तो हम शॉर्टकट रास्ते से भी स्कूटी निकाल रहे हैं ताकि हम मेन रोड तक पहुँच पाएँ। तो आपको दिखाता हूँ भाई कैसे स्कूटी लेकर आ रहा है। सो तो जो ये शॉर्टकट रास्ता है ये पूरा ही है और ये काफ़ी डर के चला रहा है, तो देखते हैं अभी निकल तो जाएगी, वैसे मेन रोड तक तो पहुंच ही जाएंगे। चलो, ये रास्ता पूरा ही बंद है इस टाइम, सोचा था शॉर्टकट से निकल जाएंगे पर ये भी बंद है, तो चलो ट्राई करते हैं शायद निकल जाए। पर अपनी सड़क से रास्ते नीचे होता नहीं पड़ी, राम राम भैया जी, पूरे वर्क पे हैं जुटे हुए, पूरे जोरों शोर से लगे हैं, देखते हैं यार निकल जाएगी तो अच्छा है, वरना यहीं से घर वापसी जाना पड़ेगा। सो चलो मैं स्कूटी लेके आता हूँ, चेक करते हैं, आई विल ट्राई। सो फाइनली गाइस, हमने स्कूटी निकाल दी है और 20 से 25 मिनट लगे इस जगह से निकालने में, और आप शक्ल देख ही सकते हो कि किस तरह से बुरे हाल हो रहे हैं हमारे, और चोटें भी लगी है छोटी मोटी। सो अभी आप स्कूटी की शक्ल देखो, तो ये देखो भाई स्कूटी के बुरे हाल हैं इस टाइम, पूरी ही हमने कीचड़ में से निकाली है। ये देखिए यहाँ पे दलदल हो गया था इस जगह पे, इसके नीचे से निकाली है हमने डाउन करके। ये देखिए स्कूटी को निकालने के चक्कर में जो चोटें लगी है अभी, ये देखिए कपड़ों के हाल, ये देखिए ये बुरे हाल। आराम से निकाल, आगे। तो स्कूटी तो आ रही है अपनी, अब ये रास्ता है मतलब क्या है कि हर मोड़ पे इस तरह से निकल के आ रहा है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। अगर ये दो चार दिन रहती है बारिश तो रोड तो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, हम मतलब लॉकडाउन वाली स्थितियाँ बन जाती हैं हमारे लिए। तो ये देखिए
पूरा ही निकल के आ गया ये देखिए हर 100 मीटर की दूरी भी नहीं है, हर 50 मीटर की दूरी पर ये निकल के आया। ये देखिए कहाँ से निकल के आ रहा है, अभी भी डर लग रहा है हमें कैसे निकलेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ तो खतरनाक ही सीन है, हर 100 मीटर की दूरी पर, हर 100 मीटर की दूरी पर निकल रहा है। अब तो रोड खोल दिए गए हैं 3 दिन तो हाँ खोल दिए गए। ये देखिए अब इसमें से क्या हमें उतर रहे होगी। हाँ अरे यार, अरे रुक जा उतर जाता हूँ मैं। पूरा यहाँ पे एक ना छोटी सी शॉप हुआ करती थी जिसमें मतलब खाना वगैरह ढाबा टाइप था एक छोटा सा, पूरा ही टूट गया, पूरा ही फ्लड आ गया। मतलब अगर इसमें अच्छा है कि कोई उसमें नुकसान नहीं हुआ। पूरा ही खराब हो चुका, पूरा ही सामने है जो पूरा ही निकल गया घर के आगे से। मतलब घर को भी रिस्क है आने वाले टाइम में अब, और ये सीधा नदी में जाएगा नीचे। तो चलो देखते हैं, भगवान भला ही करें उसका भी करें। सो गाइस, रोड थोड़े बहुत ही गंदे हो चुके थे, बारिश इतनी खतरनाक रही कि सारे ही मोड़ों पे मतलब मिट्टी निकल के आई है बारिश से। ये भी आने वाला है और यहाँ भी आने वाला है शायद थोड़े ही दिनों में, अगर ऐसी बारिश मतलब 2-3 दिन रह गई। ये देखो हटो पीछे, पूरा ही आपको और दिखाते हैं, रुको। ये देखो कहाँ से आया ये, ये देखो सोलन पहुँचेगा इसको एजेंसी में तो देना ही पड़ेगा काम कराने के लिए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ काम तो खुलेगा उसका। ये देखो, ये देखो अब मतलब अगर यहाँ से कोई गया तो सीधे नदी में ही जाएगा। ये नीचे दिख रही है रिवर, और इतना पानी इस टाइम इसमें आया हुआ कि सीधे ही अगर यहाँ से कोई जाता है तो वो देखो फटाफट। तो अगर कोई यहाँ से गिरता है या बाई चांस ये फिर से आता तो सीधा नदी में ही जाएंगे, इतना वो हो चुका है यहाँ से डेंजर। हमारे यहाँ था नहीं इतना ख़तरनाक, मतलब नॉर्मल था, इतना ज़्यादा नहीं था। अब जब से ये बारिश हुई है उसके बाद काफ़ी पॉइंट ऐसे बन चुके हैं जो सुसाइड पॉइंट की तरह हो चुके हैं। तो रिस्की है, आराम से ये बी सेफ, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब है इस तरह से रिस्की निकालना, मुश्किल। पूरी है पानी, पानी हो चुका है हर मोड़ पर, पानी है हर मोड़ पर, मिट्टी है। गाड़ी छूटे की नहीं, और क्या पार चैम्बर छूटेगा नीचे में ऐसा ना रहे। बुरे हाल ही बुरे हाल हो चुके हैं, सोचा नहीं था मतलब इस तरह से निकलेंगे भाई हम। जोड़ दी लाइट जी, सही
कहाँ तक छुआ होगा पानी। पूरी नदी आर पार लगी हुई थी इस टाइम पूरी। ये पूरी आर पार छुई हुई थी, ये इस कोने से और उस कोने में पानी लगा हुआ था, क्योंकि हमने ये वीडियो देखी थी यहाँ पर, लोकल लोगों ने बनाई थी यहाँ पर। चलो गाइस चलते हैं फिर। सोलन दूर है अभी, मंजिल दूर है हमारी। चले भाई चले।
हेलो नमस्कार, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, प्लीज़ थोड़े सेफली रहिएगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलें, वरना ना निकलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।